वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। थैंक यू सो मच। आपके व्लॉग्स देखूंगा जरूर, घर जाके सारे के सारे, और लाइक भी कर दूंगा और शेयर भी कर दूंगा। ओडिशा, वेलकम टू पंजाब। इतनी ज्यादा गर्मी है क्या बताएं, 46 डिग्री है। हमको टॉर्शन मान के ले जाना पड़ेगा आगे तक। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड़गांव। और ये रहे हमारे भाई जिनके साथ हम रुके थे आज और कल के दिन। ये है मेरे कॉलेज के फ्रेंड, और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं जाने के लिए आज शिमला। तो भाइयों करते हैं गुड बाय और निकलते हैं आगे। चल भाई, फिर मिलेंगे। जरूर जरूर, आना जाना चलते ही रहेगा अभी अपना। तो बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं आपको रोड पे। लेट हो गया है, जल्दी पहुँचना भी आज, पहाड़ों वाले रास्ते भी शुरू होने वाले हैं आज से, तो बने रहे वीडियो में। तो निकल चुके हैं हम आज के राइड के लिए, और आज का डेस्टिनेशन है शिमला, जो करीब दिखा रहा है कि 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। और अभी थोड़ा सा रश है शिमला में, तो इसकी वजह से रूम का जो बुकिंग है वो भी कंफर्म हुआ नहीं अभी तक, देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी फ़िलहाल तो रोड्स मतलब ट्रैफिक कम ही दिख रहा है मुझे, मैप में बस ब्लू मार्क्स ही दिख रहा है। तो होपफुली जल्दी पहुँच जाएंगे, और अपना बाइक का थोड़ा सा मोबिलिटी चेंज करना है क्योंकि 1500 किलोमीटर्स हो चुका है अभी तक, तो उसका भी सीन है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा कहीं पे। मेरी बात ये है कि अभी भैया पंचर हो गया है गाड़ी, इंजन ऑयल कलर में चेंज, बट अब पंचर भी हो गया, अभी 4 पंचर निकला है। तो भैया बना रहे फटाफट निकलेंगे यहाँ से, पता नहीं इतने ज़्यादा पंचर हुआ कैसे, शायद कम हवा पर गाड़ी चल गया इसकी वजह से हो गया, लेट भी हो रहा है भाई। अब शुरू हो गई है दिक्कत, और दिक्कत ख़त्म होने का नाम ले रहा है, सुबह से निकले हैं तब से दिक्कत ही स्टार्ट हो रहा है बस खाली। अब दिक्कत ये है कि जो पंचर मैंने बनवाया वो था करीब 4 पंचर, और आते आते फिर से हवा निकल गई क्योंकि टायर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो अब टायर चेंज करना पड़ेगा। तो करीब 2000 का फिर मुझे अब फिर से चोट लगने वाला है, बजट गड़बड़ा जा रहा है भाई। तो अभी यहाँ पे शॉप पे रुके हुए हैं टायर चेंज करवाने के लिए। दिल्ली से निकलते निकलते मुझे लग रहा है करीब 1 घंटा लग जाएगा मुझे, क्योंकि ट्रैफिक देख रहे हो किस लेवल का ट्रैफिक है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का ट्रैफिक है। तो अब रुके हैं फिर इंजन ऑयल चेंज करने के लिए, अब टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, बट कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो अभी भैया कर रहे इंजन ऑयल चेंज, ये पूरा जल चुका है, लगभग 1 लीटर से कम हो गया। तो दिल्ली से हम निकलते हुए अब जा रहे हैं पानीपत चंडीगढ़ की तरफ, और यहाँ से पूरा स्ट्रेट सीधा हाईवे है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बट जितना टाइम हमें वेस्ट किया है पीछे उसे कवर अप करने के लिए थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा इस बार। तो पानीपत यहाँ से है और 38 किलोमीटर्स, और थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो गर्मी था वो गर्मी अब यहाँ नहीं रहा, थोड़ा सा शांति मिल रहा है धूप से, वो हीट वेव्स जो आ रही थी दिल्ली में वो अब नहीं आ रही है। और अभी तक कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, कहीं पे रुके हैं खाने के लिए कुछ पहले, क्योंकि प्यास भी बहुत लगी है, और बॉटल जो है मेरा खाली है, क्योंकि बॉटल में पानी भर के फ़ायदा नहीं है, बॉटल में पानी अगर भर रहे हैं तो वो गर्म हो जा रहा है, करीब 10 मिनट में गर्म हो जा रहा है। तो अभी रुके हैं कुछ खाने के लिए, तो खाने का कुछ ऐसे मिल नहीं रहा था, बट नॉर्मल सा एक शॉप था यहाँ पे रुके हैं अभी, और इंजन थोड़ा सा ज़्यादा ही हीट हो रहा है तो इसके वजह से थोड़ा सा होल्ड लिया है। और ये है वो शॉप, तो थोड़ा सा खाना पीना करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे फिर। और अभी पी रहा हूँ मैं फैंटा। अचानक से गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से इंजन से थोड़ा थोड़ा स्मोक भी आ रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब रोड पे जब गाड़ी चल रही है ना तो नीचे से लग रहा है ऐसे गर्म हवा आ रहा है। और इंजन ऑयल मैंने अभी थोड़ा देर पहले चेंज किया है, तो कोई रीज़न मुझे दिख नहीं रहा है कि इंजन से स्मोक आने का, एक हीट ही है इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अरे पता नहीं, अंकल ने वहाँ पर रोका मुझे, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई उनको, शायद उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया, मेरे पास एक्स्ट्रा पेट्रोल तो है नहीं, देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं।
हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? वहाँ तक पैर लगा दो। अच्छा पेट्रोल खत्म हो गया? पेट्रोल अच्छा 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 आगे जा आगे जा आगे जा। हाँ बस 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 तक। एक्चुअली मुझे सही से आता नहीं है, मैंने कभी दिया नहीं ऐसे, बट देखा है लोगों को देते हुए, तो यही मैं वेट कर रहा हूँ। हरा 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 मेरे को भी आ गया भाई, करना पसंद देना आ गया मेरे को भी। क्या क्या कर रहे हैं आपके ट्रिप में? चलो इनकी हेल्प तो हो जाएगी कम से कम। इतनी धूप है यहाँ पे, ये धक्का मार मार के भी लेके जा भी नहीं पाऊँगा। मेरे पास एक्स्ट्रा पेट्रोल ये नहीं है कि मैं उनको निकाल के दे दूँ। कितनी दूर है अंकल पेट्रोल पंप? पेट्रोल पंप कितनी दूर है? पास ही है ना? मुझे निकलना है जल्दी थोड़ा, ठीक है? चलो थोड़ी देर तो हेल्प कर ली इनकी मैंने। ओ भगवान मेरा भी भला करे कभी, बट करता नहीं है कभी भगवान। कुरुक्षेत्र यहाँ से है और 42 किलोमीटर्स, और अभी हम घुस चुके हैं कर्नल। कुरुक्षेत्र से होते हुए हम जाएंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से देन शिमला। ओडिशा ओडिशा Where are you going? Sorry? I'm going to Spiti first, then Zanskar, then Umlingla. तो ये मिल गए थे रास्ते में, ये शायद तेलंगाना से हैं, ये लोग जा रहे हैं लद्दाख। साथ में हम राइड नहीं कर सकते, उसका रीज़न बस एक ही है कि उनके पास हैवी बाइक है, तो वो आगे निकल जाएंगे, और मेरे साथ अगर वो जाना चाहेंगे तो वो फिर स्लो हो जाएंगे। तो वो निकल गया आगे लद्दाख की तरफ, और मैं उनको बोला कि मैं जाऊंगा स्पीति की तरफ, तो इसलिए मैं रुक गया। कोई नहीं, अपने पास भी कभी सुपर बाइक आएगी। मुझे कहीं अब पेट्रोल पंप देख के रुकना पड़ेगा, बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही है भाई, इतना ज़्यादा धूप है और अपना बोतल जो है वो खाली है। प्लास्टिक पेट्रोल पंप मिल ही गया। बहुत शांति मिल रहा है ठंडा पानी पी के। इतनी ज़्यादा गर्मी है क्या बताएं, 46 डिग्रीज है, मतलब समझ रहे हो 15-20 किलोमीटर चला रहे हैं, 15 मिनट्स का ब्रेक लेना पड़ रहा है। मन कर रहा है ये पेड़ के नीचे सो जाए, और जाने का मन नहीं कर रहा। क्या है ये? ये तो बड़े भैया माता जी का जागरण करा रहे, वैष्णो माता जी का। अच्छा, तो ये अपने मीठे पानी का भंडारा लगा रहे। अच्छा अच्छा ये यहाँ पे एक्चुअली जो भी रास्ते पे जा रहे हैं उनको रोक के वो लाइक बोलते हैं शरबत पिला रहे हैं। हाईवे पे यहाँ पे लोगों को रोक के दिया जाता है ऐसा गर्मी के टाइम पे, जिससे कि उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। वेलकम टू पंजाब। और अभी हमने बॉर्डर क्रॉस किया हरियाणा का, और अभी हम एंटर कर चुके हैं पंजाब में। बहुत खुशी हो रही है अंदर से, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैं पंजाब आया था तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, और
बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए थे पंजाब में जब मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख गया था। वो रूट अलग था, मैं गया था हिसार होके, इस बार मैं जा रहा हूँ हरियाणा होके, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं गया था मनाली, अब मैं जा रहा हूँ शिमला। तो रूट्स अलग है, लेकिन पंजाब होके जाना पड़ेगा। चंडीगढ़ यहाँ से और 30 किलोमीटर्स के आसपास है। यहाँ के व्यूज़ अलग ही हैं, बहुत ही लाजवाब व्यूज़। सिर्फ आपको यहाँ पे हरियाली दिखेगा, खेत और खेत। अभी मुझे भूख भी लग रहा है थोड़ा बहुत, और लंच करना है, तो मैं सोच रहा था कि मैं चंडीगढ़ पहुँच के लंच करूँ, और 30 किलोमीटर्स है। एक्चुअली मेरा मन था कि मैं पंजाब अगर आऊँ तो छोले कुलचे ज़रूर खाऊँ यहाँ के, तो मुझे रास्ते में अभी एक दिख गया है, तो मैं रुक गया यहाँ पे, देखते हैं क्या मिल रहा है यहाँ पे। कहाँ गया भैया, एक दे दो। यहाँ पे छोले कुलचे मिल रहे हैं 20 रुपये में, स्पाइसी कर दो। और ये भैया ने छोले डाल दिए। तो ये रहे छोले और ये रहे कुलचे। एक्चुअली ये डाल के बनाते हैं, बट मैंने उनको बोला कि आप अलग अलग बनाओ बोल के। कुछ दिख नहीं रहा धूल से। ओहो, पूरा धूल उड़ा तो गया है, ये कुछ नहीं दिख रहा। अगर आप गूगल मैप को देखते देखते जा रहे हो तो आप कोई भी जगह जहाँ भी आप जा रहे हो उसकी गली मोहल्ले हर जगह में आप घूम सकते हो, क्योंकि मैं गूगल मैप को हर जगह घुमा देगा, जैसे कि मैं घूम रहा हूँ अभी। अभी मुझे चंडीगढ़ के गांव इलाके में पता नहीं कहाँ लेके आ गया है। यहाँ मुझे घर दिख रहा है, खेती दिख रहा है, लोग बैठे हुए हैं घर के बाहर कुर्सी लेके, मतलब सब फील दिला देगा आपको गूगल मैप्स। शिमला दिख गया 93 किलोमीटर्स, बहुत बढ़िया। और जो प्रेड किया था मैंने, जो शॉर्टकट मैंने लिया, वो हाईवे तक आ जाएगा, तो आ गया हाईवे तक। और यहाँ पे पहला मुझे आर्मी टैंक दिखता हुआ इस ट्रिप का, आर्मी के जवान बैठे हुए हैं अंदर इतनी गर्मी में, वो भी लोहे की गाड़ी में, समझ रहे हो कितनी गर्मी रखी होगी। और वो देखो, अगर आपको दिख रहा है पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं भाई, फर्स्ट व्यू ऑफ माउंटेन्स। तो एंट्री हो चुकी है वापस से पहाड़ों में। बस इसी रास्तों का तो इंतज़ार था मुझे, जब से घर से निकला हूँ बस ये रास्ते बस चाहिए थे मुझे, और एट लास्ट मिल गया। वाह मज़ा आ गया। ओहो अलग फील आ रहा है भाई अंदर से, अलग अलग बता नहीं सकते, इतनी खुशी हो रही है अंदर से। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश एंड दिस इज़ द बॉर्डर। वाह भाई साहब आ गए भाई हिमाचल। ओह आपको शायद दिख रहा होगा वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, और ये है एंट्री बॉर्डर, और वहाँ पे लिखा हुआ है सोलान 42 किलोमीटर्स एंड शिमला 89 किलोमीटर्स। जबान लड़खड़ा रहा है मेरा, मैनेज कर लेना, इस व्यू को देख के दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई। जाम देख रहे हो यहाँ पे, पूरा पंजाब हरियाणा लग रहा है उठ के यहीं आ गया है, क्या जाम लगा है भाई साहब, अलग टाइप का जाम लगा है पूरा। अपने लिए रास्ता बना हुआ है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ रुकना पड़ेगा, अब ऐसा हाल होके पड़ा हुआ है भाई, पूरा जाम लगा हुआ है, अब जाने का रास्ता नहीं है। अभी थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, अभी टाइम हो चुका है 5:50, सनसेट यहाँ पे 7 o'clock तक हो जाता है, करीब 1.5 आवर्स हैं अभी,
और कैमरा तो भाई मुझे बंद करने का मन ही नहीं कर रहा अभी से। अभी तो बस ट्रिप स्टार्ट हुआ है, अभी से मन कर रहा है कि भाई कैमरा ऑन ही रहा है, सब चीज़ रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ मिस ना हो, लेकिन ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। तो ऐसे कुछ नज़ारे थे जब हम मनाली एंटर कर रहे थे शाम को, बट उस टाइम पे मेरे पास में कुछ एक्शन कैमरा नहीं था जिसकी वजह से मैं आपको उसका फील दिला नहीं पाया था। बट इस बार मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको वो फील दिला पाऊँ जो मैं फील एग्जैक्टली कर रहा हूँ अभी इस वक्त। और व्यूज़ भाई बहुत ही तगड़ा है, लफ्ज ही नहीं है मेरे पास, लफ्ज है ही नहीं, जबान लड़खड़ा रही है मेरी, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। ओहो, हर एक टर्न में एक अलग अलग व्यूज़ आ रहा है, बताओ आप ही बताओ, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है आपको, मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ भाई, मेरे से नहीं होगा। मैं क्या दिखाऊँ आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या दिखाऊँ, सब कुछ दिखाने का मन कर रहा है बट मैं हर टाइम कैमरा ऑन नहीं रख पा रहा। भाई इसे देखो, खतरनाक सनसेट आ रहा है, खतरनाक। ओहो, एक्चुअली जैसा कि आप जान रहे हो मैं सोलो हूँ और मेरे पास कोई इंसान है नहीं साथ में कि मेरे पिक्चर्स क्लिक करे, तो मैंने भैया को बोला कि थोड़ा सा एक पिक्चर क्लिक कर दो तो थैंक यू भैया फॉर दैट, वेलकम। एंड इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया है तो डबल एडवांटेज मिला मुझे। ठीक है भैया, ओके है ना, ओके बाय, थैंक यू सो मच, ओके ओके ओके, मैं आपके व्लॉग्स देखूंगा जरूर, थैंक यू, जाके सारे के सारे और लाइक भी कर दूंगा और शेयर भी कर दूंगा, थैंक यू सो मच, बाय। अच्छा वो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया क्योंकि अगर मैं लेट पहुंचता तो आपको कुछ ये सारी चीज़ें दिखा नहीं पाता क्योंकि अंधेरा हो जाता, जो कि हमारे मनाली टाइम पे हुआ था। करीब हम 12 बजे पहुंचे थे रूम, तो इस बार तो ऐसा नहीं हो रहा और आपको व्यूज़ भी देखने को मिल रही है। सुबह जब मैं निकला था तब मैं परेशान था कि इतनी गर्मी क्यों है, 46 डिग्रीज था, और अभी दिक्कत ये हो रही है कि भाई मुझे ठंड लग रही है क्योंकि मैंने कुछ पहना हुआ नहीं है, खाली जैकेट पहना हुआ है और अंदर टी शर्ट है, तो अब ठंड लगनी शुरू हो गई है, मतलब वो भी थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सनसेट देखो यार, क्या सनसेट हो रहा है, पूरा गोल्डन हो गया है। ओहो, लग रहा है कोई कलर्स कर दिया है एकदम, घिस घिस के ऑरेंज। और बहुत मेहनत करने के बाद जाके ये रूम मिला है, हाँ एट लास्ट शाम होने से पहले पहुंच गया क्योंकि मुझे ये व्यू आपको दिखाना था क्योंकि शिमला में सनसेट बहुत ही प्यारा होता है कुछ इस तरह। और चलो आपको रूम का भी एक बार टूर दे देते हैं क्योंकि कल सुबह मैं जल्दी निकलने वाला हूँ। तो यहाँ से बालकनी जाने का एक गेट है छोटा सा ऐसा, और यहाँ से भी व्यूज़ काफ़ी बढ़िया है। एंड ये है रूम, तो ये जो रूम है ये मुझे मिला है 1000 रुपीज़ में, थोड़ा ज़्यादा है बट अभी जो सिचुएशन है कि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और ये शिमला में नहीं है, ये शिमला से थोड़ा पीछे है, प्रॉपर शिमला में बोल सकते हो कि हाँ ये एरिया शिमला ही है, बट मुझे एक्चुअली मॉल रोड के पास में रूम चाहिए था क्योंकि मुझे मॉल रोड भी एक बार जाना था, बट वो तो मैं जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मॉल रोड यहाँ से बहुत दूर है, करीब 15 किलोमीटर्स है, तो देखते हैं मॉल रोड कल सुबह मतलब होते हुए चल जाएंगे। और अगर ये सेम रूम ऐसा व्यू ऐसा रूम अगर मैं वहाँ पर लेता तो 2000 के नीचे तो कोई बात नहीं है, तो होपफुली मुझे ये प्राइस पे मिली। तो यहाँ खड़ी है मेरी बाइक और ये है
होटल का वे, और ये है व्यूज, गजब का व्यू दिख रहा है गजब का। और ये है होटल जो कि आधा हवा पे ये देखो, यहाँ पे नॉर्मली घर सब ऐसे ही होते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। ये जो पार्ट है ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे खाने के लिए एक जगह बनाई गई है, जैसे नीचे है वैसे ऊपर भी। और ये पूरा मतलब अलग ही नज़ारा है यहाँ पे। हम जैसे लोगों को मतलब जो सिटी में रहते हैं ऐसे घर बहुत पसंद आते हैं जो लकड़ी के होते हैं, तो ये पूरा वैसा ही है।